एजुकेटेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, बराबरी वालों को भी ढेर सारा प्यार। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो बताइए कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ शाही टोस्ट। उसके लिए जो है ये दूध है, 1 लीटर के लगभग दूध है जो हम डेली लेते हैं, उसी में से अलग से नहीं मंगाए हैं। तो उसी को हम इसको खौला करके इसका खोआ बनाएंगे उसके उसमें भरने के लिए। और ये है चीनी, 1 कटोरी चीनी है, उसी के 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी, इसका हम बनाएंगे चाशनी। और ये है ब्रेड, और इसमें जो है छोटी इलायची है, छोटी इलायची का हमें पाउडर बनाना है चाशनी में ऐड करने के लिए। रक्षाबंधन के अवसर पे कुछ तो बनाना चाहिए ना घर में, क्योंकि बच्चे तो राखी बांधेंगे ही बांधेंगे, तो फिर कुछ तो चाहिए, इसलिए हम बना रहे हैं शाही टोस्ट। और ये रेसिपी हम बनाए भी नहीं थे, इसलिए मेरी एक रेसिपी भी हो जाएगी। ये ब्रेड लिए हम, और इसका जो किनारा है उसे हम निकाल देंगे। और इसको इस तरह से चौकोर का शेप में कट कर लेंगे, या अपनी मर्जी से, शेप तो अपनी इच्छा से दिया जा सकता है। तो चाशनी तैयार हो गया है। इसमें जो छोटी इलायची हम पीसे हैं उसको ऐड कर देंगे, सब नहीं, थोड़ा सा मुझे उस खोए में भी ऐड करना है, इसलिए तो चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ऐसा रखना है कि इसमें जब हम शाही टोस्ट को डीप करें तो अच्छी तरह से उसमें भीन सके। और अब गैस ऑन हो चुका है, उस पर कढ़ाई है, उसमें रिफाइंड ऑयल है, इसको रिफाइंड ऑयल में करेंगे, यानी कि सरसों के तेल में नहीं करेंगे। मीठा आइटम रिफाइंड में ही बनाना चाहिए। और इसको हम फटाफट से इसमें फ्राई कर लेंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक हमारा रक्षाबंधन, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हर प्यार की तरह ये प्यार भी एक अनमोल है। भाई बहन का प्यार बहुत ही अनमोल रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है समझने वालों के लिए। जो ना समझे उनके लिए तो कोई रिश्ता, किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं है, पर समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और अब हम इस टोस्ट को फ्राई कर करके इससे चाशनी में डीप कर देंगे, और इसको इसमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस 2-4 सेकेंड, उसके बाद पलट करके निकाल लेंगे, निकाल करके थाली में रख लेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मतलब घुलना नहीं चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्रिस्पी ही रहना चाहिए। और बिना मिठाई का तो रक्षाबंधन होगा नहीं। प्यार तो होता है, कई तरह का प्यार है, पर भाई बहन का भी प्यार, एक भाई ना हो घर में कितना खराब लगता है, कितना सुना सुना लगता है। हम लोग पढ़ते थे ना 8th क्लास में, एक हम कविता पढ़े थे भाई बहन, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी और आज तक याद है। तू आंगन की ज्योति बहन दी, मैं घर का पहरे वाला, मुझे बहुत अच्छा ये लाइन लगता है। इसका अर्थ इतना अच्छा है। और अब ये सारा जितना भी टोस्ट का जो भी टोस्ट था उसको हम फ्राई करके सब चाशनी में डीप करके निकाल चुके हैं, और अभी जो हम खोआ बनाए थे इनके 2 टुकड़ा के बीच में भर देंगे, स्टफिंग कर देंगे एक तरह से। हाँ हाँ पता है, सब लोग बोलेगा तुम तो कर नहीं रही हो। हाँ हम नहीं कर रहे हैं, हमारे कुलदीपा थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दे रही हैं। और ये फटाफट से पूरा भर गया है, और ये जो दूसरी थाली में रखा हुआ है वो सारा टुकड़ा इसी के ऊपर हम लोग पैक कर देंगे, इस तरह से पैक हो जाएगा। इस तरह से पूरा पैक हो गया। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। ये है पिस्ता, पिस्ता से जितना इच्छा, जितना जैसे हो वैसे अपना इसको
इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में तो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है और आसान भी होगा खाने में, हाथ में बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सभी भाई बहन को समर्पित मेरा शाही टोस्ट रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे। और अब ये जो कार्यक्रम है हमारा मेन फेस्टिवल, हमारे भारतवर्ष का मेन फेस्टिवल भाई बहन का, भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन, इसको मना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। रखिया बंधा ल भैया सावन आई, जिया तुलाक बरिस हो। रखिया बंधा ल भैया सावन आई, जिया तुलाक बरिस हो। तोहरा के लागे भैया हमरी उमरिया, बहिना त देलिया शीस हो। रखिया बन्हा ल भैया सावन आई, जिया तुलाक बरिस हो। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन रक्षाबंधन का मेरे घर का रोते धोते हो गया किसी भी तरह से। त्योहार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो उतना मीठा मीठा हो गया तो जाहिर सी बात है मीठा खाने के बाद कुछ अच्छा सा मतलब चटपटा खाने का मन करता है। तो ये बन रहा है पनीर टिक्का। तो इसके लिए बॉल में दही है, उसमें थोड़ा सा हमने बेसन लिया और इसमें काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन सबको एक साथ, ये है चाट मसाला। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा क्या टेस्ट अकॉर्डिंग, बट ज़्यादा नमक इसमें नहीं रहेगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। नमक थोड़ा कम हो जाए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसे हम गरम करेंगे। वैसे मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, बस हो गया किसी तरह से। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ को, जितना भी हमने इसमें मिलाया। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और जो ये पनीर का टुकड़ा है, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब इसी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, करीब 10 मिनट के लिए। हालांकि ज़्यादा देर तक रखना है, पर जल्दीबाजी में बनाना था ना इसलिए। और थोड़ी थोड़ी सी नींबू का रस, हालांकि इसमें रस निकल नहीं रहा था, अच्छा नींबू नहीं था, फिर भी काम चल गया। और इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इस तरह से कांटा जो होता है, मतलब मेरे पास तो कुछ अलग से था नहीं ना इसको बनाने के लिए, तो जो जिससे हम लोग स्वेटर बुनते हैं वही है, तो ये कांटा है और इसी पर इसको जो किया गया है इस तरह से करके गैस पे इसे। हालांकि इसको हम जब भी बनाते थे तो हम तवा पे बनाते थे, इसी तरह से पूरा इसी प्रोसेस को करके तवा पर फ्राई कर देते। फ्राई क्या करना है ये तो है ही, पर बच्ची बोली कि नहीं माँ इसको इस बार हम लोग सेकेंगे। तो उसने एक सेका तो उससे संभला नहीं जा रहा था, इस सलाई पे कांटे पे उसको वजन लग रहा था। तो फिर हम उसको आइडिया दिए कि देखो ऐसे करोगी तब सही रहेगा। तो ये सेक का मतलब कि तंदूर हो गया, इसको तंदूर स्टाइल में बनाया गया है।
कितना जल्दी नहीं बना, थोड़ा टाइम तो लगा था, वो तो काट पीट करके दिखाना रहता है, एडिट करके दिखाना रहता है तब ना। और ये है कोल्ड, इसमें इसको गर्म मतलब इसको जला दिया गया है, जलाने के बाद इस पर देसी घी है, और अब इसको ढक देगी इस तरह से। मतलब घर में जैसे अपना अपनी आइडिया है, अपने घर में बनाकर खाया जा सकता है, और बना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा बना था ये भी। मतलब वैसे तो हम तवा पर बताया ना बनाते थे, पर ये बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह से ये परफेक्ट बना था। ये देखिए ये देखिए, ये आप लोगों के लिए, आप लोग भी खा लीजिए पनीर टिक्का, और खाकर बताइए कैसा बना है। बहुत मेहनत से बना है, अच्छा भी बना है, प्लीज आप लोग खा लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। और ये हमने बनाया दोपहर में लंच, दोपहर में लंच नहीं सिर्फ लंच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ बी अलर्ट, थैंक यू। ये लंच बिल्कुल सिंपल सा लंच बनाए थे, कुछ ज़्यादा नहीं, बस मन नहीं करता ना कुछ बनाने के लिए, त्यौहार के दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बनाने के लिए, इसलिए हमने यही बनाया। थैंक यू।